गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी मीडियम में पर्यावरण शिक्षा में जो हमारा पार्ट 3 पूर्ण हो गया था इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 20 पर इस पार्ट के प्रश्न दिए गए हैं, तो प्रश्न आप हम पढ़ते जाएंगे और प्रश्न आप बुक से देखेंगे और उत्तर यहाँ बोर्ड से नोट करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? तो हम लोग पढ़े थे पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण में जैविक और अजैविक, यानी हमारे चारों तरफ के जैविक जो सजीव प्राणी हो, अजैविक जो निर्जीव प्राणी हो, ये सभी मिलके हमारा पर्यावरण निर्मित करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर ए, हमारे चारों ओर के सजीव एवं निर्जीव घटक जो हमें प्रभावित करते हैं एक साथ मिलाकर पर्यावरण कहलाते हैं। एक साथ मिलाकर क्या कहलाते हैं? पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पहला प्रश्न का उत्तर हो गया आपका, ठीक। हमारे चारों ओर के सजीव एवं निर्जीव घटक जो हमें प्रभावित करते हैं एक साथ मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न दो देखा जाए तो प्रश्न दो है, उत्पादकों से क्या तात्पर्य है? उत्पादक किसे कहते हैं? तो बेटा हमने बताया था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वही हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा को सबसे पहले खाने योग्य, जो हमारे शरीर के उपयोग करने योग्य ऊर्जा होती है अथवा भोजन होता है, उसे निर्मित करते हैं, ठीक है। तो उत्पादक मतलब हरे पौधे होते हैं, वे पौधे जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो उत्पादकों में आएगा हमारा उत्तर नंबर दो, वे जीव जो अपना भोजन ऑब्लिक करेंगे ऊर्जा भी लिखेंगे बेटा। ऊर्जा का मतलब कुछ और नहीं, भोजन ही है, क्योंकि भोजन करते तभी तो ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है बेटा। आई थिंक ये वाला समझ में आ गया होगा। फिर प्रश्न नंबर 3 है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता का मतलब होता है कि हरे पौधों ने जो एनर्जी बनाई है, जो भोजन बनाया है, उसका उपयोग कौन करेगा, ठीक है। जो लोग उसका उपयोग करते हैं, जैसे हरे पौधों को गाय भैंस खाती हैं, शाकाहारी जीव खाते हैं, फिर उनको मांसाहारी जीव खाते हैं, जैसे गाय भैंस को कौन खाता है? शेर, हिरण, शेर हो गया, बाघ हो गया, है ना, ये सभी उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 3, उपभोक्ता किसे कहते हैं? आंसर है वे जीव जो हरे पौधों से, अच्छा बेटा ये ऊपर वाले में, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं, इसका एग्जांपल हरे पौधे होगा, ठीक है। वे जीव जो हरे पौधों से अपना भोजन तथा दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं
अब उपभोक्ता में बाकी सारे जीव आते हैं जो पौधों को छोड़ के बाकी सारे जीव ले सकते हैं, लेकिन एक पौधे ऐसे होते हैं जो उपभोक्ता भी कहलाते हैं, वे होते हैं कवक यानी फंजाई, फंगस वगैरह, वो प्लांट ही होते हैं लेकिन वे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वियोजक क्या है। वियोजक वे जीव होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों को खत्म करते हैं, यानी जो डेड या मृत पौधों एवं जंतुओं को खत्म करते हैं उनको वियोजक कहते हैं। ठीक है, वियोजक में आएंगे आपके जैसे जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, है ना, या कवक हो गए, तो ये क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खत्म करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर नंबर 4, वे जीव जो मृत पौधों एवं जंतुओं को विघटित करते हैं, क्या कहलाएंगे, वियोजक कहलाते हैं। वियोजक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब उदाहरण में इसका हम लिख सकते हैं, उदाहरण में क्या होगा, जीवाणु कॉमा विषाणु कॉमा, ये हो जाएगा आपका कवक इत्यादि। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब एक पौधे को जैसे किसी शाकाहारी जीव ने खा लिया तो पौधे की एनर्जी उसके अंदर चलेगी, फिर उस जीव को किसी और ने खाया तो उसकी एनर्जी दूसरे के अंदर चलेगी, फिर उसको किसी और ने खाया फिर उसको, इस प्रकार ऊर्जा यानी एनर्जी का स्थानांतरण होता है और अलग अलग जीवों के बीच में एक रिलेशन, एक चेन बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर नंबर पाँच, विभिन्न जीवों में खाद्य पदार्थों के माध्यम से श्रृंखला निर्मित होती है, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखला कहते कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। अब बेटा अगर हम उत्तर नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा प्रवाह से आप क्या समझते हैं। मतलब एक हरे पौधे ने, जैसे फॉर एग्जांपल एक हरा पौधा हो, उसने अपने लिए ऊर्जा बनाई, उसको खाया टिड्डे ने, मान लीजिए खा लिया, फिर टिड्डे को खाया मेंढक ने खाया, फिर उसको सांप ने खाया, फिर सांप को बाज ने खाया, इस प्रकार से एक चीज़ से, एक जीव से ऊर्जा दूसरे के अंदर, फिर दूसरे से तीसरे के अंदर पहुंच रही है, यानी बन तो रही है खाद्य श्रृंखला, लेकिन खाद्य श्रृंखला में हो क्या रहा है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो ऊर्जा का खाद्य श्रृंखला में प्रवाह या स्थानांतरित होना ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होना ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उत्तर नंबर 7, तो ये ऊर्जा प्रवाह आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। खाद्य जाल का मतलब होता है हमारे प्रकृति में एक समय में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं विद्यमान होती। कैसे, जैसे हरा पौधा है उसको मेंढक ने खाया, सॉरी
हरा पौधा उसको ग्रास हॉपर ने टिड्डे ने खाया, उसको मेंढक ने खाया, उसको सांप ने खाया। लेकिन अगर हरे पौधे को ग्रास हॉपर ने ना खाया होता, उसके बजाय किसी बकरी ने या किसी हिरन ने खाया होता, फिर उसके बाद में हिरन को बाघ खा लेता या बकरी को कोई शेर खा लेता, कोई भी भेड़िया खा लेता, तो इस प्रकार से एक पैटर्न इधर टिड्डे वाला हुआ, एक तरफ इधर किसका बकरी वाला हुआ। तो इस प्रकार से एक हरे पौधे से कई जीव जो पहले भोजन ग्रहण करेंगे हरे पौधे को खा के, उनसे नई खाद्य श्रृंखला बन जाती है और ये खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ती मिलती रहती हैं। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखलाओं के बने हुए जाल को हम खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रकृति में एक साथ विद्यमान कई खाद्य श्रृंखलाओं से बना जाल कहलाता। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न उत्तर 7 कंप्लीट हो गए प्रश्न, और उम्मीद है कि आप उत्तर यहाँ से नोट कर लेंगे। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण होना ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। प्रकृति में एक साथ विद्यमान कई खाद्य श्रृंखलाओं से बना जाल खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, आंसर हो गया। अब हम बात करेंगे, पेज नंबर चल रहा है 21 हमारा, इसमें सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो बेटा आप लोग भर लीजिए, हम बता दे रहे हैं आपको। पौधे, पहला है हमारा प्रश्न रिक्त स्थान वाला, पौधे --- की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, फिर दूसरा है द्वितीय उपभोक्ता --- भी होते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी लिखेंगे, दूसरे में मांसाहारी हो जाएगा। फिर लिखेंगे वियोजक कई प्रकार के --- होते हैं। ठीक है, तो वियोजक कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, जीवाणु दिख रहा होगा आपको पुस्तक में। फिर फोर्थ है हमारा खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सदैव --- से होती है। इसका सही आंसर होगा उत्पादकों से होती है, इसमें उत्पादकों भरेंगे। फिर फिफ्थ में देखिए --- ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें सही आंसर है सूर्य हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। फिर सिक्स नंबर में देखिए संपूर्ण खाद्य संबंध --- के नाम से जाना जाता है। तो संपूर्ण खाद्य संबंध मतलब कि पौधों से हर जीव के द्वारा लिया गया भोजन, क्या उसका संबंध आपस में क्या कहलाएगा, खाद्य जाल कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य जाल, इसमें भरेंगे आप। फिर नेक्स्ट ग में है ऊर्जा प्रवाह दर्शाने के लिए उपयुक्त तीर के निशान लगाइए। तो पेड़ से सबसे पहले आप बकरी की तरफ निशान लगाएंगे तीर का, फिर बकरी से टाइगर की तरफ लगाएंगे क्योंकि बकरी को टाइगर खाएगा, फिर टाइगर जब मर जाएगा तो उसकी बॉडी सड़ेगी गलेगी, उस पर फंगस लग जाएंगे, तो उसके बाद में आप उधर मशरूम की तरफ लगाएंगे निशान टाइगर से। ठीक है, अब लिखना है सत्य अथवा असत्य लिखना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हम लोग ब्लॉक सामने बने हैं, हम बोलते जा रहे हैं और आप इसको नोट करिएगा। पर्यावरण के जैविक घटक पौधे तथा जंतु हैं। तो पर्यावरण के जो जैविक घटक यानी जीवित, तो पौधे और जंतु, ये बात सही है, तो इसमें सत्य लिखेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता सर्वाहारी कहलाते हैं। बेटा प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो पौधों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो पौधों को खाते हैं। तो जो पौधों को खाएंगे वो सर्वाहारी नहीं हो सकते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। तो ये बेटा असत्य होगा, दूसरा वाला असत्य है आपका। तीसरे में देखेंगे भोजन के लिए पौधों एवं जंतुओं के बीच विद्यमान संबंध खाद्य श्रृंखला है। तो भोजन के लिए पौधों और जंतुओं के बीच में जो संबंध विद्यमान है इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये सही है क्योंकि एक जीव से जब दूसरे में भोजन जाता है तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है जिसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। फिर फोर्थ में देखेंगे खाद्य श्रृंखला सदैव उत्पादकों से शुरू होती है। बेटा उत्पादक हम हरे पौधों को कहते हैं और हर एक खाद्य श्रृंखला हमेशा हरे पौधों से ही शुरू होती है। ठीक है, फिर पौधे ऊर्जा का प्रधान स्रोत हैं। प्रधान मतलब मुख्य, बेटा पौधे तो ऊर्जा का स्रोत हैं लेकिन प्रधान स्रोत नहीं है। क्यों? क्योंकि पौधों को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो ये बेटा पाँचवा जो है वो असत्य है। फिर
छठा है प्रकृति में संतुलन बना रहना चाहिए। ये सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रकृति में हर एक चीज़ में संतुलन बना रहना चाहिए, तभी जाके हमारी नेचर एग्जिस्ट करेगी, हमारी प्रकृति विद्यमान रहेगी। तो एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कर लीजिए बेटा, सही जो रिक्त स्थान भरने थे उसमें पहले में आपको भरना है प्रकाश संश्लेषण, दूसरे में भरना है मांसाहारी, तीसरे में भरना है जीवाणु, चौथे में भरना है उत्पादकों, पाँचवें भरना है सूर्य, और छठे में भरना है खाद्य जाल। फिर अगर हम लोग घ यानी सत्य असत्य वाले में बात करें तो इसमें पहला जो है वो सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा सत्य है, पांचवा असत्य है, और छठा जो है वो सत्य है। तो यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 को लेकर आएंगे, जो कि चैप्टर 4 आपका है जीवन के लिए भोजन। तो बेटा जीवन के लिए जो भोजन है उसके हम भोजन के क्या घटक होते हैं, क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जिन लोगों को या जिन बच्चों ने ये वीडियो अभी पहले देखा है तो इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग इस चैप्टर नंबर 3 का वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं, और फिर आप इसके आंसर अपनी पुस्तक से लिखने के बाद में उनको याद करिए और उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। धन्यवाद।